dear students, I am going to tell you about uh, fatty acid biosynthesis and this is part two. Uh, अभी तक हमने देखा था कि um, saturated fatty acids की biosynthesis कैसे हुई और वो uh, first molecule जो बनता है वो palmitic acid होता है। अब palmitic acid में अगर chain elongation एलो, करने की जरूरत है तो कैसे होता है एलोगेसन सिस्टम्स आर फाउंड स्मूद ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इन माइटोकॉन्ट्रिया तो ये एक मॉलिक्यूल है फैटी एसिड एसाइल कोए मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे अगेन yeah, ये सी एच टेस्टाइल कोए आएगा देन मेलोनिल कोए इन साइटोसॉल ये आ, इससे सॉरी ये मेलोनिल कोए हैं और ये एसिटाइल कोए यहाँ पे लगा हुआ है तो आपने जो रिएक्शंस पहले देखे हैं वो फिर से हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और ये इसका सी एस टू यहाँ पर जोड़ रहा है और चेन का एलोंगेशन हो रहा है Uh, this is acetyl CoA and it is present in mitochondria. Then अब जो कुछ भी है उसमें next three steps में क्या क्या होना है वो देखिए ये acetyl CoA जो है उसको यहाँ पे आके जुड़ना है सो दैट चेन एलोंगेशन हो सके तो फर्स्ट स्टेप में एक रिडक्शन होता है फिर वाटर uh, मॉलिक्यूल का एडिशन होता है देन अगेन रिडक्शन स्टेप आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप आता है और फाइनली ये चेन यहाँ पे कितनी थी देखिए आर के बाद वन टू थ्री फोर कार्बन थे देखिए कितने फाइनली हो गए वन टू थ्री फोर एंड फाइव वन कार्बन मोर सॉरी एक कार्बन ये भी गिना जाएगा अगर मान लीजिए ये सी एच थ्री है तो वन टू थ्री फोर फाइव दिस इज़ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये सिक्स uh, कार्बन लॉन्ग हुआ सी एच सी ओ है ये सी एच टू में कन्वर्ट हो गया इन स्टेप से इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड या डी सेचुरेशन तो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था चेन इलाशन की आ, पामेटिक एसिड बन गया उससे आगे फिर कैसे लंबी चेन वाले आ, फैटी एसिड्स बनेंगे तो वो ये सिस्टम है और उसके लिए स्मूथ ईआर में और माइटोकॉन्ड्रिया में साइट है जबकि फैटी एसिड बायोसिंथेसिस यानी कि पामेटिक एसिड के फॉर्मेशन तक साइटोसोल में रिएक्शंस हो रहे हैं और वहाँ पे एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है नाउ अब क्या है डबल बॉन्ड्स का एडिशन तो फॉर्मेशन ऑफ मोनो इनोइक एसिड्स पामेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड सर्वे एस प्रकर्सर ऑफ टू मोनो इनोइक फैटी एसिड्स इन एनिमल टिश्यूज mainly palmitoleic and oleic acids both of which possess a cis double bond in the d9 position although uh, most organisms can form palmitoleic and oleic acids the pathway and enzymes employed differ between aerobic and anaerobic organisms Deekhye, wo kya hai? fatty acid desaturation दिस इज एरोबिक रिएक्शन हैं इसमें डी सैचूरेट इज द एंजाइम जो कि ये ट्रांसम्रेन uh, प्रोटीन है एरोबिक okay. रिएक्शन होने के लिए सी एटीन स्टीरोल कोए है प्लस ऑक्सीजन है प्लस टू एच है उससे बनता क्या है सी एटीन नाइन यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बन रहा है एक डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो रहा है ओलिल कोए फॉर्मेशन हो रहा है और एच टू ओ रिलीज हो रहा है एनजाइमस डी और उसके लिए और कौन सी चीज़ काम कर रही है टू साइटोक्रोम बी एफ ई प्लस टू साइटोक्रोम बी एफ ई प्लस टू ये सिस्टम काम कर रहा है फिर से इसकी प्रेजेंस में और रिडक्टेज की प्रेजेंस में इस रिडक्टेज की प्रेजेंस में टू एच प्लस साइटोक्रोम बी फाइव रिडक्ट एफ ए डी सॉरी टू एच प्लस एफ ए डी और गेट्स कन्वर्टेड इन टू एफ ए डी एच टू और एनजाइमज सी फाइव साइटोक्रोम सी फाइव और इसके साथ क्या लिंक्ड है एन ए डी एच Plus H is getting oxidized to NADH. तो एफ ए डी से एन ए डी एच बना लिया है जिससे कि एनर्जी का फाइनली जनरेशन होगा एंड दिस इज़ अकरिंग अंडर एरोबिक कंडीशंस और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया या ई पी आर ई आर स्मूद ई आर की का की मेम्ब्रेन का डायग्राम है जहाँ पे इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं तो और डिसचूरेशन ऑफ फैटी एसिड्स हो रहा है एनोरेबिक रिएक्शंस में देख लीजिए डिहाइड्रेशन का स्टेप है फिर आइसोमेराइजेशन का स्टेप है अगर यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन के बाद ट्रांस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है उसको उससे सैचूरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस हो सकती है अगर वो काम नहीं किया गया तो आइसोमेराइजेशन होगा फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के लिए और सिस थ्री ए डेसिनोइल ए फॉर्म होगा और फिर उसके बाद ये तीन स्टेप्स के बाद अन फैटी एसिड सिंथेसिस होगी उसका चेन इलॉन्गेशन होगा तो लाइक ये सिक्सटीन वन ओमेगा सेवन लिखा हुआ है तो यानी कि एक जगह पे ये डबल बॉन्ड है ओमेगा पोजीशन पे और वो जो है एटीन पोजीशन के वन ओमेगा वन माने कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और ओमेगा पोजीशन uh, जो है वो सेवन दिस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट सेवेंथ पोजीशन विच इज़ ओमेगा तो इस तरह से सैचूरेटेड एंड अन फैटी एसिड्स बनते हैं और फैटी एसिड्स का इलोंगेशन होता है स्टार्टिंग में पामेटिक एसिड बनता है अब पॉली इनोइक एसिड्स अभी तक मोनो इनोइक देख रहे थे ये मोनो इनोइक माने कि सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अब पॉली इनोइक एसिड्स भी होते हैं तो वो कैसे बनेंगे अगेन दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल उसके बाद वो चेन एलोंगेशन होके के स्टेरेट बन गया दो चे इंग एजाइम इज द एलोंगेज पामिटो लियेट भी बन सकता है यहाँ पर अभी देखा हमने हाँ पहले और ये एक सिंगल मोनोइनोइक एसिड है अगर डी एंजाइम लग जाए तो स्टेरेट से ओलिएट बन सकता है डी की प्रेजेंस में सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एट द पोजीशन नाइन इससे आया लिनोलेट यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स हैं अगेन डीजेच इज द एंजाइम इससे एल्फा लिनेट बन सकता है इसमें तीन डबल बॉन्ड्स हैं एटीन थ्री अब देखिए स्टेराइट यहां पे बन गया इससे पोलियड बना सिंगल मोनोइनोइक एसिड ये बना डाईनोइक एसिड ये ट्राई यू नो एक एसेट अगेन डी सेचुर रोल है एंड दिस विल मेक अनदर अदर लिपिट्स ऑल्सो नाव गामा लिनोलेट लिनो लिनेट यहाँ पे ये नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन था पोजिशंस हैं डबल बॉन्ड्स की जबकि इस केस में गामा में सिक्स नाइन और ट्वेल्व पोजिशन पे डबल बॉन्ड्स हैं और डी सैचुरेज इज द एंजाइम इससे आइको सैट आइकोसा ट्राई इनोएट बना यहाँ पे ये फिर चेन एलोंगेशन हुआ है ट्वेंटी कार्बन की चेन लेंथ है और थ्री डबल बॉन्ड्स हैं पोजीशन है एट 11 और फोर्टीन एलोंगेज एंजाइम का रोल आया यहाँ पे देन अरैकेटोनिक एसिड राकेडोनिक एसिड में फोर डबल बॉन्ड्स हैं एट द पोजीशन फाइव एट इलेवन एंड फोर्टीन और ट्वेंटी कार्बन चेन कार्बन जो कार्बन लेंथ है वो ट्वेंटी कार्बन्स की है और दिस इज दिस हैपन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ डी सैचुरेज दीज आर द परमिटेड ट्रांजिशंस इन मैमल्स असेंशियल फैटी एसिड लिनोलीट था ना थ्री मेटाबोलिक कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ एफे सिंथेसिस अब रेगुलेटरी पॉइंट्स की ये सब जो सिंथिस हो रही है जैसा कि मैंने पहले भी बताया मेटाबॉलिज्म तभी होती है उसका चाहे एनाबोलिज्म हो चाहे कैटाबोलिज्म हो अगर एनर्जी चाहिए तो कैटाबोलिज्म होकर एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी नहीं चाहिए तो एनाबॉलिक रिएक्शंस होके एनर्जी स्टोर रहेगी जो कि मतलब एनाबॉलिक नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे पुराने मॉलिक्यूल्स से और उनका यूज़ किया जाएगा फर्दर कैटाबॉलिज्म के लिए सो so, कोई कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए कि कब कैटाबॉलिज्म होगी कब डिग्रेडेशन होगा माइक्रो का और कब वो नए सिरे से फिर से सिंथेसाइज किया जाएगा सो so, यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया फैटी फैटी एसाइल कोए के साथ आ, फैटी एसिल कोए बना वो अंदर आ गया इसके अंदर आ गया ये ट्रा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है देन पायरुवेड भी अंदर आया है फैटी एसाइल कोए फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होना है तो पायरुवेट से जो कैटाबॉलिज़्म होगी वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगी वो जैसे स्टेप वाइज मैनर में दो दो कार्बन एटम ऐड हो के आ, कार्बन चेन लेंथ बढ़ती है वाइल एनाबोलिज्म ऐसे ही आ, दो कार्बन आ, कम हो, हो के फैटी एसिड डिग्रेडेशन होता है और वो दो कार्बन एसीटाइल कोए है के फॉर्म में आता है तो एसिटाइल कोए प्लस पाइरोवेट मिल के सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और सिट्रेट इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल इस साइकिल का जबकि ऑक्जेलो एसिटेट इज अनदर और ये पायरुवेट बाहर से साइटोसॉल से अंदर आया है तो एसिटाइल कोए या ऑक्जेलो एसिटेट इससे मिलके सिट्रेट बना लेता है अब ये अलग अलग मेटाबॉलिज्म है जो कि दिस इज द पार्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म अब यहाँ पे जो सिस्ट्रेट है वो अगेन साइटोसोल में बाहर जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट अगर ये रिलीज कर दे तो एसिटाइल कोए बन जाएगा एसिटाइल कोए का अभी आपने रिएक्शन देखा कि एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में वो मेलोनल कोए बनाता है जिसको कि सिट्रेट तो एक्टिवेट करता है बट पामिटोइल कोए जो है वो रोकता है तो अगर पामिटिक एसिड ऑलरेडी बना हुआ है बॉडी में तो वो नहीं बनेगा और फर्दर नहीं बनेगा और वो आके इस एंजाइम की एक्टिविटी रोक देगा अगर यहाँ पे ये इतना सफिशिएंट नहीं है तो फिर ट्रेड जो आ रहा है यहाँ पे कैटाबोलिज्म के पास से वो इसको एक्टिवेट कर देगा एसिटाइल कोए मेलोनियल कोए में बदल जाएगा और वो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस कर देगा मेलोनियल कोए जो है वो कार्नेटीन एसिटाइल ट्रांस एसाइल ट्रांसफ्रेस को इनहिबिट करता है तो फैटी एसाइल कोए जो है वो माइटोकोन्ड्रिया में एंटर नहीं कर पाता तो मेलोनल कोए अगर सफिशियंट मात्रा में है और एनाबोलिज्म चल रही है तो फिर कैटाबोलिज्म नहीं होगी सो दिस इज अ होम्योस्टेसिस और कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस अक्रिंग इन साइड द बॉडी एंड पॉइंट्स एट विच मेटाबोलिज्म इज कम कंट्रोल इज these are the three major steps where enzymes are inhibited or activated to control fatty acid synthesis or its catabolism these are the various references which i uh, saw for uh, making these uh, slides and lecture so this is the end an and show and uh, if you like my lecture please like it share it and subscribe it thank you